सो डू विजिट और डू आप उस दिन को भी पार्ट वन और पार्ट टू को आप अच्छे से देख लीजिए तभी आपको पार्ट थ्री भी समझ आएगी तो आज पार्ट थ्री में हम करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस देखिए जब मैंने आपको टैक्स सिस्टम कराया था तो मैंने आपको कहा था कि दो तरीके के टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है तो डायरेक्ट टैक्स जो है अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स जो है ये लेवाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेवाई करती है और स्टेट भी लेवाई करती है ऑल दो स्टेट के पास बहुत कम टैक्स हैं सेंटर के पास तो वी हैव प्लेंटी लाइक जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था फर्स्ट uh, लेक्चर में हमने किया था है ना लास्ट लेक्चर हमने किया था कि सेंटर के पास वी हैव पर्सनल इनकम टैक्स कॉर्पोरेट इनकम टैक्स मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कैपिटल गेन टैक्स ठीक है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इक्वलाइजेशन टैक्स लेवाए और टैक्स तो ये सब सेंटर के पास फिर स्टेट है देन वी हैव इन डायरेक्ट टैक्स ठीक है तो आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की तो वंस विल फिनिश ऑफ ये इंडायरेक्ट टैक्सेस जब हम पूरे कम्प्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर हम डायरेक्ट टैक्सेस पे आएंगे जो कि स्टेट लेवाए करती है कुछ डायरेक्ट टैक्सेस जो कि स्टेट लेवाए करती है उनकी बात करेंगे ठीक है आफ्टर दैट हमारा जो uh, ये टैक्स सिस्टम जो है ये कम्प्लीट हो जाएगा ओके तो आज हम इंडायरेक्ट टैक्स पर बात करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स है विच इज़ जी एस टी तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक जो है आज का जो हमारा पूरा चैप्टर है जीएसटी का we'll हम आज के बारे में पढ़ेंगे तो 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 बात करूं इनडायरेक्ट टैक्सेस की तो सबसे पहले ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ दिस इज रिविजन कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है ना वॉट आर इनडायरेक्ट टैक्सेज इनडायरेक्टर दो टैक्स ये इस तरीके के टैक्स हैं जो कि हम दूसरों पे शिफ्ट कर देते हैं इसका बर्डन है ना दूसरों पे शिफ्ट कर देते हैं इसका बर्डन ठीक है यही होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स ओके तो क्या होता है बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि वॉट वी डू वी शिफ्ट द बर्डन ठीक है अब इसमें मैंने क्या लिखा है कि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है ये अलग अलग एंटिटीज़ पे एंटिटीज मतलब इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन ये एंटिटी जो है ये इंडिविजुअल भी हो सकती है ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है इंसीडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि कौन ये टैक्स का बर्डन बेयर करेगा हु विल बेयर द बर्डन ऑफ टैक्स तो बेसिकली इंसिडेंस का मतलब क्या है हु विल बेयर द इंपैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब क्या है हु विल सबमिट टैक्स ठीक है तो देखिए बेयर द बर्डन ऑफ टैक्स तो अल्टीमेटली कंज्यूमर ही होता है जितने भी तरीके के आप टैक्स लगा लीजिए अल्टीमेटली वो सब किसकी जेब से निकलते हैं हम लोगों की मतलब नॉर्मल कंज्यूमर या नॉर्मल कस्टमर की जेब से जो है वो टैक्स निकलता है तो जो बर्डन है वो कौन उठाता है कस्टमर उठाता है और उसको सबमिट कौन करता है वो अथॉरिटी सबमिट करती है वो ऑर्गेनाइजेशन सबमिट करती है जिसपे गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि आप सबमिट करोगे एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो उस पर जो जीएसटी पे करते हो आप खाने पे ठीक है सर्विस चार्ज आप पे करते हो ठीक है वो आपके अपनी जेब से गए लेकिन आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करवाया आपने जो रेस्टोरेंट अथॉरिटीज़ हैं आपने बिल पे किया बिल में ही जो है जीएसटी कवर था और उसके बाद फाइनली वो जो जीएसटी है वो रेस्टोरेंट जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपॉजिट करवाएगी गवर्नमेंट के साथ तो यहाँ पर जो शिफ्ट है जो टैक्स का शिफ्ट आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट वालों ने वो जो शिफ्ट है बर्डन ऑफ टैक्स का वो किस पे डाल दिया कस्टमर पर डाल दिया हम पे डाल दिया कंज्यूमर्स पर डाल दिया राइट सो so, यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन डिफरेंट एंटिटीज़ ऑन डिफरेंट पर्सन और ऑन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ऑपोजिट है टू द डायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है यू कैन नॉट शिफ्ट बर्डन ऑफ टैक्स ऑन समी एल्स आपने इंडिविजुअली आपने अपने अपना खुद का टैक्स जो है वो खुद से आपको देना होता है फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स जो है आपको खुद देना होता है इट इज़ पर्सनल इनकम टैक्स आपकी इनकम पे टैक्स लगता है आप डायरेक्ट जो है वो सबमिट कराते हो अगर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की बात करें तो जो बिजनेस है जो बिजनेस एंटिटी है बिजनेस को अपना टैक्स जो है वो देना होता है ठीक है समझ आ गई बात हुँ. तो ये है जी इनडायरेक्ट टैक्स अब देखिए हां हम लोग आप बोलेंगे कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पे करते हैं तो येस वी पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोथ अब ठीक है अब अब, अब सपोज आप अगर अपनी सैलरी पे या आपको कहीं से रेंट आ रहा है आपको किसी भी तरीके की कोई इनकम आ रही है अगर आप उस पर आप इनकम टैक्स देते हो वो आपका इंडिविजुअल आपका पर्सनल इनकम टैक्स है लेकिन आप अगर आप वेरियस सर्विसेज जब आप अवेल करोगे आप कहीं पे ठीक है आप कहीं पे कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट में जाके तो जिस जिसपे आप जी जो है पे करते हैं दैट मीन्स यू आर पेइंग इनडायरेक्ट टैक्सेज ऑल्सो तो हम डे टू डे में बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें या जो भी सर्विस आप अवेल करते हो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है सो वी पे इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हम डेली रूटीन में पे करते ही रहते हैं ठीक है ओके uh, okay? और डायरेक्ट टैक्स भी हम पे करते हैं इन 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 द द द फॉर्म 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 ऑफ 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 इनकम टैक्स 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 कॉर्पोरेट कैपिटल गेन ठीक है तो इन द फॉर्म ऑफ इक्वलाइजेशन लिवाए तो ये सब हो गए डायरेक्ट टैक्सेस तो आज हम फोकस करेंगे हमारा जीएसटी पे तो सबसे पहले ये इनडायरेक्ट टैक्स ये ऑलरेडी हाँ आप पढ़ चुके हैं मैंने आपको बता दिया था आई गेव यू एन आइडिया कि वॉट इज दर इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है ओके अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आप सबके लिए कि जो आप इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये सारे के सारे रिग्रेसिव होते हैं नेचर में ठीक है मैंने आपको आ, इन द फर्स्ट लेक्चर ओनली मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ टैक्सेस जब हमने किए थे कि प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेस के बारे में हमने बात की थी ठीक है डिफ्रेंसिएशन किया था अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो सारे रिग्रेसिव होते हैं नेचर में हमने क्या बात की थी रिग्रेसिव टैक्स को हम नॉर्मली क्या समझते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है ठीक है रिग्रेसिव टैक्सेस कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपको उस पर कम टैक्स देना पड़ेगा इसका क्या मतलब है बेसिकली या फिर अगर आपकी इनकम जो है वो कम है तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा ठीक है इसका बेसिकली मतलब क्या है इसका मतलब होता है रिग्रेसिव इन नेचर और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो रिग्रेसिव होते हैं नेचर में इसका क्या मतलब है ये देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव रुपीज़ की एक ब्रेड है क्या है ट्वेंटी फाइव रुपीज़ की एक ब्रेड है जिसमें पाँच रुपये का टैक्स है ट्वेंटी फाइव रुपीज़ की एक ब्रेड है जिसमें पाँच रुपये का टैक्स है ठीक है अब एक कोई अमीर इंसान आता है फॉर एग्जाम्पल एक, एक रिच पर्सन जो है वो ये ब्रेड खरीदता है जिसकी इनकम है से रुपीज़ टेन लाख ठीक है से रुपीज टेन लाख उसकी इनकम है उसने क्या किया उसने क्या किया ये ब्रेड ख़रीदी पच्चीस रुपए की उसने कितना टैक्स दिया फ़ाइव रुपीज़ का ठीक है अब एक कंपैरेटिवली इस टेन लैख के कंपैरिजन में हम आ जाते हैं एक ऐसे इंसान पे जो कि पुअर है उसकी सैलरी जो है या उसकी इनकम जो है उसकी इनकम जहाँ से भी जनरेट हो रही है वो वन लाख ,00 रुपीज़ है उसने भी ये ट्वेंटी फाइव रुपीज़ की जो ब्रेड है वो परचेज़ की और उसने भी टैक्स जो है वो पाँच रुपए का दिया ऐसा ही हुआ ठीक है अब क्या है देखिए इन कंपेरिजन टू दिस रिच पर्सन ओके वॉट हैपन्स इज कि जितना इस रिच पर्सन ने टैक्स दिया है उसके कंपेरिजन में मतलब अगर हम बात करें देखिए वन सेकेंड आल शो यू ओके अब देखिए हुआ क्या कि जो सेम ब्रेड जो है ये पुअर पर्सन ने भी परचेज की और एक अमीर पर्सन ने भी परचेज की लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द इनकम ऑफ अ पुअर पर्सन ही हैज पेड मोर टैक्स इन कंपेरिजन टू अ टू द रिच पर्सन है ना ऐसा ही है अगर हम इनकी सैलरी को अगर हम इनकी इनकम को कंपेयर करते हैं एक की इनकम है वन लैख एक की इनकम है टेन लैख ठीक है तो अगर हम इसने भी जो है टैक्स फाइव रुपीज़ का दिया इसने भी जो है टैक्स फाइव रुपीज़ का दिया तो देखा जाए इसके इनकम के रिलेटेड इसके इनकम के प्रपोर्शन में इसने ज़्यादा टैक्स दिया है दैन दिस दैन दिस पर्सन ठीक है अपनी रिस्पेक्ट अपनी आ, इनकम के रिस्पेक्ट में इसने ज़्यादा टैक्स दिया है देन कंपैरिजन टू दिस पर्सन इसीलिए इसको कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो पर जो टैक्स जो जो मतलब टैक्स लगा हुआ है किसी प्रोडक्ट पे आपने तो उतना ही टैक्स देना है वहाँ पे ऐसा तो था नहीं कि आप पच्चीस रुपये की ब्रेड है तो अगर आपकी इनकम कम है तो आप वो आप इनकम जो है वो आप जो ब्रेड है वो ट्वेंटी टू रुपीज़ की ले जाइए मतलब है ना कि आपको जो है टू रुपीज़ का ही टैक्स पड़ेगा और जो अमीर है उसको बोला गया कि भैया पच्चीस रुपये की पच्चीस रुपये की टैक्स लीजिएगा पाँच रुपये जो है पाँच रुपये आप टैक्स दीजिए ऐसी कहीं बात तो हुई नहीं दैट इज़ वाई इट इज़ सेट टू बी रिग्रेसिव इन नेचर ओके कि जो जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको कम टैक्स देना पड़ रहा है और जिसकी इनकम कम है उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है दैट इज़ वाई जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सबको हम हाँ, आप रिग्रेसिव इन नेचर कहोगे तो इसी का ऑपोजिट अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं दे आर ऑल प्रोग्रेसिव इन नेचर डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट आर रिग्रेसिव इन नेचर ये क्लियर हो गया ओके okay? अब देखिए डायरेक्ट प्रोग्रेसिव कैसे हैं फॉर एग्जांपल हमने डायरेक्ट टैक्स में बात की थी इनकम टैक्स की तो इनकम टैक्स में क्या होता है कि जैसे से आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपको टैक्स भी ज्यादा पे करना है ओके okay? एंड जैसे अगर आपकी इनकम कम है तो आपको टैक्स भी कम पे करना है ठीक है दैट इज वाईट इज सेट टू बी प्रोग्रेसिव इन नेचर यानी कि ये क्या करता है ये आप कह सकते हो कि प्रोग्रेसिव इन नेचर में मतलब एक इकोनॉमिक स्टेटस जो है ये इसको इक्वलाइज करने की कोशिश करता है इक्वल करने की कोशिश करता है हमारी सोसाइटी सेटअप में ठीक है तो बात ये समझ आ गई आपको रिग्रेसिव नेचर uh, के होते हैं जितने भी इंडायरेक्ट टैक्स होते हैं दे ऑल आर एक्चुअली रिग्रेसिव इन नेचर ओके नेक्स्ट बात करते हैं देखिए एक ऑर्गेनाइज जो ये अब जो है जितने भी जो इंडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सबको उन सबको आप कह सकते हो कि कलेक्ट कौन करता है या उन सब की पॉलिसी फॉर्मूलेशन कौन कर सकता है या फिर विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को गाइड करती है को लीड करती है तो उस अथॉरिटी का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ठीक है जिसको सीबीआईसी भी कहते हैं ठीक है थीके? जैसे कि चलिए वो मैं आपको बाद में बताती हूँ अब जैसे होता क्या है देखिए जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको जो अथॉरिटी गाइड करती है दैट इज सेंट्रल दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ठीक है सीबीडीटी भी अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी सीबीडीटी भी हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम सीबीडीटी भी कवर करेंगे विच इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अभी देखिए सी क्या होती है इट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स उनको क्या कहा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट डायरेक्ट एंड कस्टम्स तो ये किस में आता है सी बी क्या है सीबीआई सी 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 इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है सी बी आई सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आ, अंदर डिपार्टमेंट्स है कुछ ठीक है तो उसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जिसमें सी बी आई सी जो है फंक्शन करता है इट डील्स विद टास्क ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी कंसर्निंग लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम्स कि कैसे आपने लेवाई और कलेक्शन ऑफ कस्टम करना है कस्टम इज अ टाइप ऑफ इंड टैक्स अभी आगे हम मैं बताऊंगी आपको कि कैस क्या होता है ये टैक्स देन वी हैव सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज और सेंट्रल एक्साइज टैक्स एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हमने पढ़ना है विच इज जीएसटी ठीक है जीएसटी अब यहाँ पे क्या कहा गया है जीएसटी की जितनी भी अलग अलग आप कह सकते हो कि टाइप्स आप कह सकते हो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस सर्विस टैक्स है या आई जी एस टी है विच इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ठीक है और नार्को तो इन सबके साथ डील करता है सीबीआईसी ठीक है और ये जो बोर्ड है ये ये बेसिकली क्या है ये एक है ठीके? एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ठीक है एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और इस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के सबॉर्डिनेट ये जो सीबीआईसी है इसके अंडर भी कुछ और ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं जैसे कस्टम हाउस जैसे सेंट्रल एक्साइज एंड सेंट्रल जीएसटी ठीक है कमीशन एंड सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी तो बेसिकली सीबीआईसी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडा टैक्सेस ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर और फर्दर सीबीआईसी जो है विच इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स इसके अंदर फिर और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच इज छोटी तो नहीं है खैर ये बड़ी ही ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कस्टम्स हाउसेज ठीक है जैसे सेंट्रल एक्साइज है और ये सब हमने आगे अभी पढ़ने हैं ये सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस के हैं ठीक है जीके? तो चलिए अभी बात करते हैं फिलहाल जीएसटी की विच इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स है ये तो बेसिकली इंडायरेक्ट टैक्सेस हमने स्टार्ट किए हैं ठीक है तो जीएसटी हम इसमें पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यही सबसे इंपॉर्टेंट इंडायरेक्ट टैक्स है और भी कुछ टैक्स हैं जिनके बारे में हम और भी जानेंगे ठीक है तो पहले हम बात करते हैं जीएसटी की जीएसटी अगर आपने कर लिया तो समझिए कि आपने मेजर पोर्शन जो है इंडायरेक्ट टैक्स का आपका खत्म हो गया है इनफैक्ट टैक्सेस का ही खत्म हो गया है क्योंकि जीएसटी जो है बहुत बड़ा इट्स अ वेरी इट्स अ लाइक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स बहुत बड़ा टैक्स है ये क्यों क्योंकि जीएसटी ने क्या किया है काफी सारे काफी सारे टैक्सेस को जीएसटी जो है वो अकेला इनगल्फ कर गया था ठीक है बहुत सारे टैक्सेस को खा गया था जीएसटी ठीक है तो जीएसटी जो है इट इज बिग सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया ठीक है तो चलिए जीएसटी की बात करें अब देखिए जीएसटी जो है हमें पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये क्या है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है ठीक है और ये कब इफेक्ट में आया था ये डेट याद रखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एक दो बार एग्जाम में पूछी भी गई है ये डेट कि कब जो है जीएसटी इफेक्ट में आया था तो इट इट केम इन टू इफेक्ट मतलब ये इंप्लीमेंट कब से होना शुरू किया था तो ये इंप्लीमेंट हुआ था फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवनटीन से यानी कि फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन से पहले जीएसटी नहीं लगता था ठीक है ऑल दो इसकी जो पार्लियामेंट में इसकी बिल जो है वो चला गया था पास होने के लिए 2016 में ही ठीक है तो लेकिन इट केम इनटू इफेक्ट इन फर्स्ट जुलाई 2017 ये डेट भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको इंप्लीमेंट कब कर दिया गया या ये इफेक्ट में कब आया तो फर्स्ट जुलाई 2017 को ये इफेक्ट में आया ठीक है तो टिल थर्टियथ जून टू क्या हुआ था अब इस डेट से पहले क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इम्पोज करती थी अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को इम्पोज करती थी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ इंपोज uh, करती थी स्टेट गवर्नमेंट अपने कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज करती थी ठीक है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बड़े सारे टैक्स थे जैसे सर्विस टैक्स था एक्साइज टैक्स था जो कि अभी भी है एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स अभी भी एग्जिस्ट करता है आप आगे आपको बताऊंगे कैसे ठीक है और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ टैक्स इम्पोज करती थी जैसे कि वैट एंटरटेनमेंट टैक्स ठीक है एक्सेट्रा ओके तो इससे क्या होता था अब इन सभी ये जितने भी जो छोटे मोटे जो भी टैक्सेस थे सेंटर के और स्टेट के इन सबको मिला के अब देखिए जीएसटी जो है इसमें सेंटर के कुछ सेंटर के भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं और कुछ स्टेट के भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं जीएसटी इंक्लूड सम टैक्सेस ऑफ सेंट्रल सेंटर टैक्स एंड सम ऑफ द स्टेट टैक्स इसमें जो है जीएसटी में एनगल्फ हो गए इसमें एसेमिलेट हो गए जीएसटी में ठीक है जीएसटी के आने के बाद विच इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स ओके अब हुआ क्या देखिए इसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर हैं क्या होता था बेसिकली अब देखिए अब अब मेन बात ये है कि क्या जीएसटी अच्छा है इफेक्टिव है तो यस जीएसटी इज एक्चुअली गुड फॉर अ मार्केट जीएसटी जो है ये मार्केट के लिए अच्छा है ये हम कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है क्योंकि हमें कम टैक्स अब जो है देना पड़ता है प्रोडक्ट्स के ऊपर ठीक है नो डाउट आप कहेंगे कि मैम महंगाई तो फिर भी ज्यादा है येस yes. महंगाई तो ज़्यादा है बिकॉज इन्फ्लेशन है मार्केट में ठीक है इन्फ्लेशन अभी अभी इन्फ्लेशन uh, का दौर तो चल ही रहा है इन्फ्लेशन का टॉपिक मैंने अच्छे से ऑलरेडी समझा चुकी हूँ मैं ठीक है तो इन्फ्लेशन तो अभी है मार्केट में चल रही है बट येस जीएसटी अगर हम टैक्स की बात करें जो गुड्स पे लगता है तो जीएसटी ने जीएसटी uh, के पहले बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो देना पड़ता था लेकिन जीएसटी के बाद जो है वो काफ़ी कम टैक्स दे देना पड़ता है हमें ठीक है तो इसने क्या किया है बेसिकली जीएसटी ने अब क्या किया है अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि कैसे जीएसटी ने टी ने कैसे इफेक्टिव किया है मार्केट मैकेनिज़म को टैक्स के मैकेनिज़्म को कैसे इफेक्टिव किया है आई जस्ट कोट वन और टू एग्जाम्पल है देखिए होता क्या था बिफोर जीएसटी क्या होता था और आफ्टर जीएसटी सिनेरियो क्या है ये दोनों हम समझेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगी सिचुएशन क्या है देखिए पहले मैं बात करती हूँ बिफोर जीएसटी की ओके okay? अगर मैं जीएसटी के पहले की बात करूं तो जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे जैसे मैंने आपको बताया वैट था एक्साइज ड्यूटी लगती थी सर्विस टैक्स लगता था देर आर सो मेनी अदर टैक्सेज विच वर इन्वॉल्व तो आपको एक थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि बिफ़ोर और आफ्टर जीएसटी में क्या फ़र्क पड़ा ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल देखिए आपने क्या है आप एक आप एक बिजनेस मैन हैं ठीक है थीके? आप एक बिजनेस चलाते हैं या एक मैन्युफैक्चरिंग हाउस चलाते हैं उसके लिए सपोज आपने रॉ मटेरियल कहीं से ख़रीदा वो रॉ मटेरियल आपने खरीदा हज़ार रुपए का कितने का खरीदा हज़ार रुपये का इस हज़ार रुपये पे गवर्नमेंट बोलेगी हमें टैक्स दे दो सौ रुपये का ठीक है तो आपने कितने कितना टोटल हो गया यहाँ पे इलेवन हंड्रेड अब आपको वो प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है इलेवन हंड्रेड का अभी ये सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदने पे आपने जो है हंड्रेड रुपीज़ का टैक्स दे दिया ठीक है उसके बाद क्या हुआ अब इस रॉ मटेरियल को आपने मैन्युफैक्चरिंग गुड बनाया इस रॉ मटेरियल को आपने रॉ मटेरियल इनपुट था इसको प्रोसेस करके आपने एक आउटपुट बनाया आपने एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया ठीक है और आपने यानी कि उसमें एक वैल्यू एड की वॉट यू डिड जब आपने रॉ मटीरियल से एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो आप तो आप क्या करते हो उसमें वैल्यू एडिशन करते हो अब जब आपने ये सब किया तो उसमें मान लीजिए आपकी कॉस्ट जो है और हजार रुपए लग गई ठीक है कितनी लग गई और हजार रुपए आपकी इसमें जो है वो कॉस्ट लग गई तो कितना हो गया फर्दर ये कितना बन गया टोटल ट्वेंटी टू हंड्रेड बन गया ठीक है ये आपके बना ये बना यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला जिसका जिसकी जो कॉस्ट है वो कितनी बन, वो कितनी कितनी बनी Sorry, बनी सॉरी इट इज है ना ट्वेंटी वन हंड्रेड बन गई है ठीक है यहाँ पे वन आएगा वन है ना वन आएगा ठीक है तो ट्वेंटी वन हंड्रेड जो है ये आपकी फिनिश्ड गुड की कॉस्ट जो है वो बन गई ओके अब यहाँ पे क्या है जब आपने मैन्युफैक्चर किया गुड तो यहाँ पे भी जो है सपोज यहाँ पे भी गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई आप अब आपका गुड जो है मैन्युफैक्चर हो चुका है अब मैन्युफैक्चरिंग गुड पे अपनी कॉस्ट दो हमें हमें टैक्स दो सौ रुपए टैक्स आपने और दे दिया तो कितना हो गया ट्वेंटी टू हंड्रेड दिया हुआ ठीक है तो अब देखिए यहां पे भी एक टैक्स लगा आपको जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा था ठीक है उसके बाद यहां पे भी एक टैक्स लग रहा है आपको जब आपने मैन्युफैक्चर किया अब ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये प्रोडक्ट तैयार है कि अब आप इसको मार्केट में ये प्रोडक्ट को मूव करोगे मार्केट में इस प्रोडक्ट को मूव करोगे या मार्केट में इस प्रोडक्ट को सप्लाई करोगे ठीक है तो जब आप सप्लाई मोड में वो प्रोडक्ट आ रहा है या मूवमेंट मोड में वो प्रोडक्ट आ रहा है तो यहाँ पे गवर्नमेंट लगाएगी फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट कहती है जी अब अब हमें एक्साइज ड्यूटी दे दो जब आप एक्साइज ड्यूटी दे रहे हो सपोज आपने हंड्रेड रुपीज़ के अब यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी ड्यूटी दे दी ठीक है तो ये कितना बन गया जी ट्वेंटी थ्री हंड्रेड का बन गया ठीक है ट्वेंटी थ्री हंड्रेड बन गया टोटल अब इस ट्वेंटी थ्री हंड्रेड पे भी फर्दर सेल्स टैक्स लगेगा वैट लगेगा तो सौ रुपये मान लो वो और लग गया तो कितना कितने का गुड बन गया ये ट्वेंटी फोर हंड्रेड का ये फाइनल गुड बन गया ठीक है Okay, हजार रुपए से जर्नी आपकी स्टार्ट हुई थी जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा ट्वेंटी फोर और आप देखते हैं टैक्स कितनी जगह लगा है एक यहां पे लगा एक यहां पे लगा ठीक है एक एक्साइज एक्साइज ड्यूटी लगी तीन जगह होगी ठीक है एक चौथा जो आपका वैट और सर्विस टैक्स भी लगा पांच जगह होगी तो पांच छह जगह पे ये मतलब टैक्स जो है ये मिलके आपको चौबीस सौ का ये टैक्स जो है जो, और ये फाइनल टैक्स किसने देना है ये फाइनल टैक्स देगा कंज्यूमर अब आप देखिए उसी की सिनेरियो आप ऑपोजिट ले लीजिए कि अब जी है जी आपका जीएसटी का सिनेरियो सिनेरियो अब जीएसटी के में आपने रॉ मटेरियल खरीदा कोई टैक्स नहीं लगेगा इस पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाओगे हजार रुपए तो कितने आ गया जी दो हजार रुपये अब यहाँ पे क्या है गवर्नमेंट कहती है कि आप फाइनल स्टेज जो है वहां पर टैक्स दीजिए तो ये फाइनल स्टेज का टैक्स है जो जीएसटी है जो यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा वो फाइनल स्टेज पे लगेगा ठीक है तो एक ही बारी आपने गवर्नमेंट कहती है ठीक है कि आपका सपोज अगर हजार रुपए का प्रोडक्ट फाइनल बन रहा है तो गवर्नमेंट बोलेगी यहां पे ओके कि आप जो है कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स जैसे सेवन परसेंट या एट परसेंट जीएसटी एटीन परसेंट जीएसटी भी हो सकता है ठीक है अगर एटीन परसेंट जीएसटी इस पर लगेगा एटीन हंड्रेड बन जाएगा ठीक है तो उस हिसाब से आप आ, देखेंगे कि कैसे टैक्स लगेगा ठीक है तो जीएसटी जो है ये फाइनल ये इट इज अ ये एक ये आपको एक ही बारी वन टाइम टैक्स पे करना है यहाँ पे आपको बार बार टैक्स पे नहीं करना एक और एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ और उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा देखिए क्या है फॉर एग्जाम्पल आपके आपने आ, आपके पास जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैं और जो आपके गुड्स हैं इससे इस वो समझिए आप, आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है आपके पास जो वैल्यू है गुड्स की वो है उज रुपीज ठीक है जो मैन्यक्चर्ड गुड्स है।, है, है, है जो आपके पास आपके गोडाउन में आपके मैन्युफेक्चरिंग हाउस में पड़ी है अब आपने इनको मूव करवाना इनको सप्लाई करना इन गुड्स को मार्केट में ठीक है जब आप इनको जैसे ही सप्लाई करोगे इस पर लगेगी जी एक्साइज ड्यूटी क्या लगेगी एक्साइज ड्यूटी अब मान लीजिए वो एक्साइज ड्यूटी लगी एट द रेट ऑफ टेन परसेंट एक्साइज ड्यूटी दी ये भी मैं बिफोर जीएसटी की बात कर रही हूँ जब जीएसटी नहीं था तब क्या था सिचुएशन यहाँ पे टेन परसेंट आपने एक्साइज ड्यूटी दी है तो ये टोटल आपका जो आप जो टोटल वैल्यू है वो गुड की कितनी बन गई कितनी बन गई इलेवन थाउजेंड बन गई ठीक है अब इस इलेवन थाउजेंड पे ठीक है ये इलेवन थाउजेंड बन गई टेन परसेंट टैक्स लगा के हजार रुपये इसमें ऐड हो गया तो इलेवन थाउजेंड बन गई अब इस इलेवन थाउजेंड पे फर्दर क्या लगेगा गवर्नमेंट बोलते हैं अब इस पर आप सेल्स टैक्स भी दो वैट भी दो क्या दो सेल्स टैक्स भी दो वैट भी दो अब ये जो आपने वैट दिया है या जो आपने सेल्स टैक्स दिया है मान लीजिए वो आपने दिया बारह परसेंट सेल्स टैक्स और वैट वैट आपने मिला के मान लीजिए कितना दिया बारह परसेंट ठीक है तो ये जो है बारह परसेंट जब आप इलेवन थाउजेंड पे लगाएंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली बनेगा हमारा वन थ्री टू जीरो है ना एक हजार तीन सौ बीस रुपए अब इस एक हज़ार तीन सौ बीस रुपये को आप ऐड कर दीजिए ग्यारह हजार में तो वो बन गया वन टू थ्री टू जीरो कितना बना वन टू थ्री टू जीरो ठीक है बारह हजार तीन सौ बीस रुपये बना कितना बना बारह हजार तीन सौ बीस तो ये फाइनल आपकी गुड आ गया बारह हजार तीन सौ बीस अब देखिए एक चीज़ मैंने आपको यहां बतानी है जो मेन मेरा मोटिव था ये एग्जाम्पल बताने का आपको कि देखिए इस हज दस हजार पे जो वैल्यू ऑफ गुड्स थी जब इस पे आपने टेन परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगाई तो गुड कितने गुड कितने का सेल हुआ ये मतलब गुड कितना बन गया कितने की वैल्यू बन गई इलेवन थाउजेंड की ठीक है इस इलेवन थाउजेंड में जो हजार रुपए है वो तो टैक्स है ना हज़ार इलेवन थाउजेंड ऑरिजिनल वैल्यू ऑफ गुड तो नहीं है इसमें थाउजेंड रुपीज जो है वो क्या है इसमें जो थाउजेंड रुपीज है वो टैक्स के हैं तो अब ये जो बारह परसेंट वैट लगा था या जो बारह परसेंट सेल्स टैक्स या वैट लगा था वो इलेवन थाउजेंड पे लगना चाहिए कि टेन थाउजेंड पर लगना चाहिए वो लगना चाहिए था टेन थाउजेंड पे लेकिन वो गवर्नमेंट ने किस पे लगाया थाउजेंड पे लगाया यानी कि यहां पे बिफोर जीएसटी लगता था टैक्स ऑन टैक्स क्या होता था बिफोर जीएसटी हम क्या पे करते थे टैक्स ऑन टैक्स टैक्स के ऊपर टैक्स मतलब ये जो 12 जो अपने वैट दिया ये भी तो टेन थाउजेंड पे लगना चाहिए था ये इलेवन थाउजेंड पे क्यों लग रहा है इलेवन थाउजेंड तो लगना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है

दस हजार का तो समझ आता है बट हम हजार रुपए का क्यों टैक्स पे करें इस हजार रुपए पे भी क्यों हम टैक्स पे करें ठीक है तो ये होता था टैक्स ऑन टैक्स इस टैक्स ऑन टैक्स को कहते हैं कैशकेडिंग इफेक्ट क्या कहते हैं कैशकेडिंग इफेक्ट ठीक है तो जीएसटी के आने के बाद ये जो कैशकेडिंग इफेक्ट है ये खत्म हो गया ठीक है इसने क्या किया कैशकेडिंग इफेक्ट को ओवरकम किया जीएसटी ने कैशकेडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया ठीक है तो जीएसटी से पहले कैस्केडिंग इफेक्ट होता था यानी कि टैक्स ऑन टैक्स लगता था लेकिन जीएसटी के बाद जो है कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया ठीक है यही यहां पे मैंने लिखा हुआ है दैट सी इट रिजल्टेड इन कैस्केडिंग इफेक्ट इससे क्या होता था जो इससे पहले जो रिजीम थी टैक्स रिजीम जो थी जीएसटी से पहले जिसमें आप एक्साइज ड्यूटी पे करते थे वैट पे करते थे स्टेट्स को इससे क्या होता था कैस्केडिंग इफेक्ट होता था ठीक है जिससे कि प्रोडक्ट्स जो है ज्यादा कॉस्टली हो जाते थे मार्केट में ओके okay? और ये एक हिटीरियोजिनस मार्केट इससे इससे मतलब देर वर एक्चुअली डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट वैट रेट्स होते थे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी टैक्स सिस्टम की बिफोर जी एस टी तो जीएसटी एक्चुअली बॉट अ यूनिफॉर्मिटी इट इट एक्चुअली बॉट अ वन नेशन वन टैक्स प्लेटफॉर्म ठीक है तो बेसिकली इसका मोटिव क्या था कि एक भारत है मतलब एक देश है तो एक ही टैक्स रिजीम जो है हर जगह फॉलो होनी चाहिए प्रोडक्ट के जो रेट हैं वो हर जगह एक ही होने चाहिए उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये है आपका आ, इसके बारे में ठीक है ओके अभी जो इंट्रोडक्शन है जीएसटी की इट हैज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टैक्स रिफॉर्म सिंस ऑफ कोर्स सिंस इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा रिफॉर्म जो है टैक्स सिस्टम में आप कह सकते हो कि जीएसटी से आया है ठीक है दी एंटीसिपेटेड एडिशनल गेंस एंड एफिशियंसी इससे क्या होता है एफिशियंसी क्रिएट होती है कॉम्पिटेटिवनेस क्रिएट होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है बिजनेस की ईज है कम्फर्टेबल है डूइंग बिजनेस में क्यों है ऐसे ईज देखिए बिजनेस मैन भी परेशान हो जाते थे कि भाई हम कितने तरीके का टैक्स दें हर पॉइंट पे टैक्स देना पड़ रहा है हर पॉइंट पर टैक्स देना पड़ रहा है कभी एक्साइज देनी पड़ रही है कभी वैट देना पड़ रहा है कभी सर्विस देना पड़ रहा है तो बिजनेस मैन भी परेशान थे वो बिजनेस मैन जो है वो कहते थे कि भाई हम बिजनेस करें या आपके टैक्स

ओके ओवरऑल टैक्स कलेक्शन जो है ये इसमें इट इज ड्रोव दिस बारे ओके ना अब देखिए जो टैक्स जो आया हमारा जीएसटी जो टैक्स आया ठीक है 2017 में फर्स्ट जुलाई 2017 के बाद जब जीएसटी आया इसने क्या किया कि इसने 17 टैक्स को लगभग लगभग 17 टैक्सेस को ये एनगल्फ कर गया अपने अंदर अपने अंदर मर्ज कर गया वो कौन कौन से टैक्स थे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी देखिए एक्साइज ड्यूटी अभी भी एग्जिस्ट करती है अभी आगे मैं आपको बताऊँगी कैसे सर्विस टैक्स स्टेट टैक्सेस स्टेट टैक्स को जैसे कि वैट एंटरटेनमेंट टैक्स लग्जरी टैक्स ठीक है एंट्री टैक्स ऑक्ट्राई परचेज टैक्स ये बड़े सारे टैक्सेस को टोटल सेवेंटीन टैक्सेस थे जिनके अंदर जी जो है मतलब जी एस टी इनको अंदर अपने संभाल लिया ठीक है विच मेक्स इंडिया वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट ओके नाउ अगर हम अभी की बात करें तो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी सोल्ड होते हैं कंज्यूमर्स को अक्रॉस इंडिया ठीक है वो एक ही इनडायरेक्ट टैक्स उनके ऊपर इंपोज होता है इट इज जीएसटी ठीक है विच कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी स्टेट एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी स्टेट जीएसटी अब देखिए ये सब क्या है ये अभी मैं आगे, आगे आपको बताती हूं कि ये सेंट्रल जीएसटी क्या है सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी और ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या है ये अभी मैं आपको बताती हूँ आगे ठीक है ओके okay. देखिए अब ये इससे पहले चलिए इस पैराग्राफ से पहले आप पहले ये समझिए कि बेसिक फीचर्स देख लेते हैं जीएसटी के देन आई गेट बैक टू दिस पैराग्राफ देखिए बेसिक फीचर्स जो हैं जीएसटी के वो ये हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ जीएसटी नाउ सबसे पहले क्या है ये ऐसा टैक्स है जो आपके वैल्यू एडिशन पे लगता है ये ऐसा टैक्स है जो आपके वैल्यू एडिशन पे लगता है वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है देखिए आपने सपोज रॉ मटीरियल लिया था ठीक है रॉ मटेरियल के बाद जब वो मैन्युफेक्चर हुआ तो दैट इज ऑल्सो वैल्यू क्रिएशन वैल्यू एडिशन तो जब भी किसी प्रोडक्ट पे वैल्यू एडिशन होगी जीएसटी तब लगेगा यह आपने याद रखना है ठीक है तो जीएसटी कब लगता है ये वैल्यू एडिशन पे लगता है तो इट इज अ वैल्यू एडिशन टैक्स ठीक है इट इज डिवाइड ऑन द मैन्युफेक्चर सेल एंड कंजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस यानी कि जब आपको फील होगा जब आपको लगेगा कि आपके प्रोडक्ट में कोई वैल्यू एड हो रही है तो वहां पे आपको जीएसटी पे करना है आपके सर्विस में आपके गुड में जो वैल्यू क्रिएशन हो रही है वैल्यू एडिशन हो रही है तो जीएसटी तब पे करना है इस तरीके से एम पूछा जा सकता है कि इनमें से बताइए रॉन्ग कौन सा है ठीक है तो अगर कहीं पर आपको मिलेगा जीएसटी इज अ वैल्यू एडिशन टैक्स देन येस जीएसटी इज अ वैल्यू एडिशन टैक्स जब भी कोई वैल्यू एड होती है प्रोडक्ट में तो वहां पे आपका जीएसटी लगता है ठीक है नेक्स्ट इज इट्स बर्डन इज बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर सिर्फ जीएसटी uh, का ही नहीं किसी भी टैक्स का जो फाइनल बर्डन है वो कंज्यूमर ही पे करता है ठीक है तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही बॉर्न कर, करना पड़ता है प्राइस बिजनेस हाउस अपनी जेब से तो पैसे देंगे नहीं अल्टीमेटली वो निकलवाएंगे किससे कंज्यूमर से ठीक है ओके नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट इसमें जो है कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट रहता है जीएसटी क्या करता है ऑफर करता है कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट फ्रॉम दी प्रोड्यूसर टू दी पॉइंट अप टू द रिटेलर लेवल देअर वायर टैक्सिंग ओनली दैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑन द सप्लाई चेन तो ये आपने याद रखना है कि सप्लाई चेन के मैटर में अगर मैं जीएसटी की बात करती हूँ तो ये कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट क्रेडिट जो है uh, uh, मतलब प्रोवाइड करता है स्पेशली इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब हो गया जो पुरानी परचेज का जो क्रेडिट है तो ये एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है वो ये फीचर्स आपने याद रखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है जीएसटी ठीक है तो पहला क्या था कि जीएसटी वैल्यू एडिशन टैक्स है दूसरा क्या था फाइनल कंज्यूमर को बोर करने हैं जो भी आ, फाइन आ, जो भी जीएसटी मतलब फाइनल जो बर्डन है वो कंज्यूमर को बेयर करना है कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव है वेरी इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम ठीक है कॉन्टीन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट इसमें होते हैं इट इज अ कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ टैक्स वाई इट प्रोवाइड अ फ्लो ऑफ क्रेडिट कॉन्टिन्यूसली ठीक है कोई कैस्केडिंग इफेक्ट इसमें नहीं है वो मैंने आपको बता दिया कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं है ठीक है जबकि पहले कैस्केडिंग इफेक्ट था टैक्स ऑन टैक्स पे करना होता था यहां पर नहीं है ओनली दैल्यू एडिड एट ईच स्टेज इज टैक्स अंडर जीएसटी जब भी आप कोई वैल्यू एडिशन करोगे तब ही उस पर जो है उस स्टेज पे टैक्स लेवाई होगा अदरवाइज नहीं होगा जैसे आपने रॉ मटेरियल जस्ट खरीदा ही तो वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं है तो उसमें आपको टैक्स प्रोवाइड नहीं करना है उसमें आपने नहीं देना है टैक्स ठीक है अगर आपने वो जो आ, मतलब मार्केट में आपने जस्ट सप्लाई ही किए हैं प्रोडक्ट्स तो आपको टैक्स उसमें नहीं देना है मतलब आपको तभी टैक्स देना है जब कोई वैल्यू एडिशन हो रही है अगर आपको वैल्यू एडिशन नहीं हो रही तो आपको टैक्स नहीं प्रोवाइड करना है ठीक है जीएसटी हैज अ डूअल जीएसटी मॉडल और जीएसटी का डुअल जीएसटी मॉडल है डुअल जीएसटी का मॉडल मतलब एक सेंट्रल जीएसटी एक स्टेट जीएसटी आप बोलेंगे एक आई जीएसटी भी है बिल्कुल आई जी एस टी भी है इंटीग्रेटेड स्टेट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी है लेकिन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में एक्चुअली सेंट्रोल स्टेट जीएसटी ही आते हैं अभी आगे आपको बताती हूँ उसके बारे में ठीक है जीएसटी जो है ये तब से इम्पोज होना शुरू हो जाएगा एज सुन एज दप्लाई ऑफ गुड्स बिगन जैसे ही सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो स्टार्ट होती है सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब होता है जैसे ही देखिये जब जब कोई मूवमेंट होगी गुड्स में गुड्स के अंदर जब कोई मूवमेंट होगी कोई इनर्शिया मिलेगा गुड्स को कोई मूवमेंट मिलेगी गुड्स को तो तब ही तब से जीएसटी जो है इम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है सप्लाई हियर इज टैक्स यहाँ पे जो सप्लाई है यहाँ पे जो सप्लाई है वो टैक्सेबल इनकम है जब ठीक है जब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो हैं जब वो सप्लाई होना शुरू होंगी तो तब उस पर जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो तब उस पर जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा यानी कि वो टैक्सेबल इवेंट है ठीक है अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं उनका आप मतलब समझिए उसके बाद मैं आपको सी जी एस टी एस जी एस टी और आई जी एस टी बताती हूं क्या होता है देखिए ऑरिजन किसे कहते हैं ऑरिजन जो है ये वो जगह है जहां से आपका जो प्रोडक्ट है ठीक है वो मूव करेगा फ्रॉम वेयर द मूवमेंट और द सप्लाई ऑफ द गुड्स बिगन ऑरिजन वो जगह है जहां से मूवमेंट या सप्लाई ऑफ गुड्स स्टार्ट होती है डेस्टिनेशन वो जगह है जहां पे वो मूवमेंट खत्म होगी जहां पे वो गुड्स पहुंच जाएंगे जहां पे वो गुड्स फाइनल डेस्टिनेशन पे अपनी पहुंच जाएंगे ठीक है दैट इज अ डेस्टिनेशन समझ आ गया अब अगर ये ऑरिजिन और डेस्टिनेशन एक ही स्टेट में हो विद इन अ स्टेट हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारी यूटी है जैसे जे एंड के ठीक है अकॉर्डिंग uh, टू जी एस टी एक्ट ये यू टी हमारे जो जे एंड के यूटी है उसको स्टेट ही वो मान के चलते हैं स्टेट ही मान के चलते हैं अब अगर मैं अपने जे एंड के की बात करूँ तो हमारे जे एंड के में ही ऑरिजिन है प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ और यहीं पर ही आ, बिक भी गया यहीं से ही सेल मतलब इस, इसकी जर्नी स्टार्ट हुई मूवमेंट हुई और यहाँ पे ही इसकी फाइनल कंजप्शन भी थी तो इसको कहा जाएगा इस इस ऐसी मतलब कंडीशन को ऐसी जीएसटी को कहा जाएगा यहां पे लगेगा इंट्रा स्टेट कौन सी स्टेट इंट्रा स्टेट जीएसटी लगेगा कौन सा स्टेट लगेगा इंट्रा स्टेट जीएसटी लगेगा ठीक है अब देखिए इंट्रा स्टेट तो लगेगा इसमें इंट्रा स्टेट जीएसटी है ये जब मूवमेंट इज विद इन अब ऐसे याद रखना वेन मूवमेंट इज विद इन सिंगल स्टेट विद इन अ स्टेट जब एक मूवमेंट जो है जब मूवमेंट विद इन एक स्टेट हो रही है विद इन अ यूटी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ठीक है उसके क्या बोलते हैं इंट्रा स्टेट बोलते हैं और इस इंट्रा स्टेट में सी यानी सेंटर जीएसटी भी लगता है और एस जीएसटी भी लगता है यानी कि स्टेट जीएसटी भी लगता है इसमें क्या होता है सेंटर जीएसटी भी लगता है स्टेट जीएसटी भी लगता है अब मान लीजिए जीएसटी यहां पे 18 परसेंट है जिस जो प्रोडक्ट मूव हो रहा है उस पर एटीन परसेंट जीएसटी लगेगा तो इस 18 परसेंट जीएसटी यानी कि 9 परसेंट जीएसटी जो है वो सेंटर के पास जाएगा इसका नाइन परसेंट जीएसटी जो है वो स्टेट के पास जाएगा ठीक है तो ये जितना भी जीएसटी कलेक्ट होगा एटीन परसेंट के हिसाब से नाइन परसेंट जीएसटी विल गो टू देंटर एंड नाइन परसेंट जीएसटी विल गो टू दी स्टेट जो सेंटर गवर्नमेंट है उसके पास नाइन परसेंट जीएसटी जाएगा और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास भी नाइन परसेंट जीएसटी जाएगा इस प्रोडक्ट का जब इंट्रा स्टेट की बात हो रही है इंट्रा स्टेट मतलब मूवमेंट विद इन वन स्टेट विद इन अ स्टेट विद इन अ सिंगल स्टेट और विद इन अ सिंगल यूटी विद इन अ सिंगल टेरिटरी और इंट्रा स्टेट पे कौन कौन सा जीएसटी लगता है सेंटर जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों लगते हैं कंबाइंड ठीक है ओके मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ हरियाणा अब हरियाणा के अंदर ही अगर मूवमेंट हो रही है तो कौन सा आ, क्या कौन सी मूवमेंट है ये इंट्रा स्टेट मूवमेंट है और जीएसटी कौन सा लगेगा सी जी एस टी एंड एस जी एस टी स्टेट और सेंटर का दोनों का जीएसटी लगेगा दोनों के पास जो है आधा आधा जीएसटी जो है वो टैक्स जो है वो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज अगर ओरिजिन और डेस्टिनेशन जो है दो डिफरेंट स्टेट्स में हूं ठीक है अगर दो डिफरेंट स्टेट्स हैं ठीक है ठीके? मान लीजिए हरियाणा है और दिल्ली है दिल्ली भी यूटी है लेकिन जीएसटी लॉ के अंडर दिल्ली को भी स्टेट माना गया है अब वो स्टेट्स मतलब वो यूटी सॉरी वो ऐसे यूनियन टेरेटरी जिनका अपना लेजिस्लेशन है जिनका अपना लेजिस्लेचर है उसको वो यूटीज जिनका अपना लेजिस्लेचर है उनको जीएसटी एक्ट में स्टेट ही माना गया है बाकियों को यूटी माना गया है उनको स्टेट ही माना गया है ठीक है ओके okay, याद रखिएगा ओके okay, ठीक है जी ओके okay, ना आते हैं बात करते हैं किसकी अब जैसे देखिए जैसे मैं आपको मैंने आपको क्या कहा कि जैसे आ, स्टेट है फॉर एग्जांपल अगर मैं जे एंड के की की बात करूं हमारा भी अपना लेजिस्लेचर है तो जे एंड के को स्टेट ही माना जाएगा यूटी नहीं माना जाएगा जीएसटी में दिल्ली को भी स्टेट माना जाएगा यूटी नहीं माना जाएगा जीएसटी में और पुडुचेरी को पुडुचेरी का भी अपना स्टेट लेजिस्लेचर है तो पुडुचेरी को भी स्टेट माना जाता है यूटी नहीं माना जाता बाकी जो पांच बच गई आठ में से जो पांच बच गई है बाकी उन पांच को यूटी माना जाता है बाकियों को स्टेट माना जाता है ठीक है ओके okay. चलिए अब देखिए बात करते हैं इंटर स्टेट जीएसटी की अब इंटरस्टेट क्या है इंटरस्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट सपोज हरियाणा है और ये दिल्ली है ठीक है तो दो स्टेट्स के बीच में मूवमेंट हो रही है दो स्टेट्स के मूवमेंट के बीच में मूवमेंट हो रही है इसको पहले तो बोला जाएगा याद रखिए इंटरेस्ट रेट क्या कहा जाएगा इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट है तो यहां पे कौन सा जीएसटी लगेगा नाम से ही पता चल रहा है यहां पे लगेगा इंटर जीएसटी कौन सा जीएसटी लगेगा यहाँ पे आई लगेगा ओके जीएसटी कौन सा लगेगा आई जी एस टी ओके अब आप बोलेंगे ये आई जी एस टी क्या होता है तो देखिए आई जी एस टी बेसिकली क्या होता है आई जी एस टी में सेंट्रल आई जी एस टी जो है इसमें भी सी जी एस टी और एस जी एस टी दोनों होते हैं इसमें क्या होता है सी जी एस टी और एस जी एस टी दोनों होते हैं इसमें क्या होगा देखिए इसमें क्या होगा कि जो uh, इसमें क्या होगा कि जो आई जी एस टी है ना आई जी एस टी जो है पूरे का पूरा वो पहले जाएगा सेंटर के पास अब देखिए इस केस में क्या होगा आई जी एस टी जो है ये पूरे का पूरा अब देखिए क्या है इंट्रा स्टेट में हमने क्या कहा था कि सेंटर सेंटर जी एस टी भी लगता है स्टेट जी एस टी भी लगता है सिंपल है उसी टाइम पर आधा आधा जो है वो जी जो है चला जाता है स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को अब इंटर स्टेट के केस में क्या होगा अब दो स्टेट्स हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे अब या तो एक एक ही स्टेट जब थी तब तो सिंपल था आधा शेयर सेंटर ले लेगी आधा शेयर स्टेट ले लेगी ले 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 अब यहाँ पे तो दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे लगेगा इंटर जीएसटी uh, अब इंटर जीएसटी में क्या होगा आईजीएसटी में क्या होगा कि ये पूरे का पूरा आईजीएसटी पहले ले जाएगी सेंटर सेंटर के पास जाएगी ठीक है फिर सेंटर क्या करेगी अपना शेयर रख लेगी और बाकी का जो शेयर है वो दे देगी स्टेट को ठीक है सेंटर क्या करेगी अपना शेयर रख लेगी बाकी का जो शेयर है वो दे देगी स्टेट को अब सवाल ये पैदा होता है कि किस स्टेट को क्या वो हरियाणा को ये देगी या दिल्ली को देगी अब देखिए अगर जो मूवमेंट है वो हरियाणा से दिल्ली हो रही है तो आपने याद रखना है जो डेस्टिनेशन वाली स्टेट है तो यहाँ पे डेस्टिनेशन डी से डेस्टिनेशन डी से ही डेली यहाँ पड़ रहा है ना तो जो डेस्टिनेशन वाली स्टेट है विच इज दिल्ली हेयर तो जो डेस्टिनेशन वाली स्टेट है उसको जाता है जीएसटी ठीक है जो डेस्टिनेशन वाली स्टेट है उसको जाता है जीएसटी मतलब उसकी गवर्नमेंट को जाता है जीएसटी क्योंकि देखो जीएसटी पे कौन करेगा यहाँ पे जो डेस्टिनेशन वाली स्टेट है वही जीएसटी भी पे करेगी ना जो दिल्ली है वही तो ये टैक्स भी पे करेगी तो ये जो टैक्स पे करेगी डे अगर जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं देखिए हरियाणा से प्रोडक्ट चले दिल्ली तक गए तो दिल्ली वालों ने जो है वो जीएसटी पे किया ठीक है दिल्ली जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ की उसने जो है जीएसटी पे किया तो ये जीएसटी कौन लेगा ये जीएसटी जो है पहले जाएगा सेंटर के पास किसके पास जाएगा सेंटर के पास फिर सेंटर जो है अपना शेयर रखेगी बाकी का जो शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी इस केस में ये डेस्टिनेशन जहाँ पे होगी उसको ये जीएसटी उस गवर्नमेंट को ये जीएसटी जाएगा ठीक है तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेट टू बी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसीलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है तो एक और फीचर यहाँ से आपको जीएसटी का पता चला कि ये डेस्टिनेशन स्टेट ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ठीक है तो हमने इसके कितने फीचर्स किए कि इसमें कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है ठीक है इसका जो फाइनल बर्डन जो है वो कस्टमर पे जाता है वो तो खैर इट इज कॉमन टू ऑल दी टैक्सेस कि सभी का जो बर्डन है वो टैक्स वो कस्टमर्स पे जाता है ठीक है यहां पे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ क्रेडिट आपको मिलेगी ठीक है ओके कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ क्रेडिट मिलेगी ये भी हमने किसका एक इंपॉर्टेंट फीचर किया ठीक है और इंपॉर्टेंट फीचर हमने इसका किया कि ये वैल्यू एडिशन पे लगता है ये किस पे लगता है वैल्यू एडिशन पे लगता है जीएसटी और जीएसटी का डुअल मॉडल है सेंट्रल और स्टेट और जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ठीक है तो ये चीजें हमने याद रखनी है तो दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं ये देखिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ है इफ़ ऑरिजिनल डेस्टिनेशन आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स एज इंटर स्टेट तो जीएसटी जो है इसको डेस्टिनेशन बेस्ड कहा जाता है डीएसटी जीएसटी जो है ये डेस्टिनेशन टैक्स है ठीक है तो ये आपने याद रखना है तो आई जो है इट इज इक्वल टू सी प्लस एस जी जो आई जो है वो किसके पास जाएगा सेंटर के पास जाएगा सेंटर अपना शेयर रखेगी बाकी का जो शेयर है वो डेस्टिनेशन स्टेट को दे देगी ठीक है अब देखिए एग्जैम्पन्स हैं कुछ जीएसटी के अंडर ऐसा नहीं है कि क्या सारे प्रोडक्ट्स जीएसटी में आते हैं तो जी हाँ मैक्सिमम प्रोडक्ट्स तो सारे जीएसटी में आते ही हैं कुछ एक्सेप्शन हैं जो जीएसटी में नहीं है फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल ठीक है इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोलियम रियल स्टेट ठीक है रियल स्टेट जिसमें आ, आ, आप स्टैम्प ड्यूटी भी जिसको कह सकते हैं ठीक है स्टैम्प ड्यूटी भी इसका पार्ट आ जाता है कहीं ना कहीं ठीक है तो ये जो है इन पे अभी तक एग्जाम्पल है जीएसटी जैसे अल्कोहल जो है ये स्टेट गवर्नमेंट लेवाई करती है इसका टैक्स ठीक है तो काफी भारी भरकम टैक्स इस पर स्टेट गवर्नमेंट की अर्निंग होती है ठीक है तो जैसे जब जीएसटी जो जब बनने लगा तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो इन सब ने सेंटर से अपील की कि अल्कोहल तो आप हमारे पास ही रहने दीजिए अब ऐसा नहीं है कि अल्कोहल के पास कोई टैक्स नहीं लगता अल्कोहल के ऊपर एक्साइज टैक्स लगता है कौन सा टैक्स लगता है एक्साइज ड्यूटी लगती है ठीक है ये खैर अभी मैं आगे बताऊं कि जब हम एक्साइज ड्यूटी पढ़ेंगे ओके तो ये जो है ये एक्सम्पन्स हैं जीएसटी की जैसे अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोलियम रियल इस्टेट इन प्रोडक्ट्स पे ठीक है इन सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता है ओके ऑल अब देखिए रेट्स क्या हैं जीएसटी की रेट्स क्या हैं या आप कह सकते हो इनकी स्लैब्स क्या हैं जीएसटी की तो देर आर फाइव रेट्स ऑफ जीएसटी वैसे फाइव के से ज़्यादा भी आप कह सकते हो आप छः सात रेट्स भी जीएसटी की कह सकते हो ठीक है कई जगह पढ़ोगे चार रेट्स हैं ठीक है इनफैक्ट मैंने पहले कभी बताया भी हुआ है कि चार रेट्स हैं वो फोर रेट्स हैं जीएसटी की अगर आप इस ज़ीरो रेट को कंसीडर ना करो क्योंकि ये हो गया ये हो गया जिसपे नॉन जीएसटी है ये नॉन टैक्स वाली प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें आ जाती हैं ठीक है जीरो तो परसेंट है फाइव परसेंट है ट्वेल्व परसेंट है एटीन परसेंट है ट्वेंटी है तो ये पांच वाइडल रेट्स जो है यहां है आपको जीएसटी की मिलेंगी ठीक है जीरो परसेंट फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंट एटीन परसेंट ट्वेंटी एट परसेंट अब इनमें प्रोडक्ट्स कौन कौन से आते हैं तो देखिए ये प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स एक्चुअली कीप ऑन चेंजिंग गवर्नमेंट जो है इन प्रोडक्ट्स को इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो चेंज करती रहती है जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा मैंने यहाँ प्रोडक्ट्स के नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि दे कीप ऑन चेंजिंग दैट्स वाई हैव नॉट मैंशन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स नेम बट हाँ आपके क्लैरिटी के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देती हूँ जैसे मैं जीरो परसेंट पर देखिए जीरो परसेंट टैक्स ऑब्वियसली किस आइटम पे लगेगा हम अगर खुद से सोचें उन आइटम्स पे लगेगा जो बहुत बेसिक हैं नेसेसिटी हैं जो बहुत नीडी जो बहुत नीडफुल हैं जिनके जो बहुत नेसेसिटी हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल मिल्क है या वेजिटेबल्स हैं या एग्स हैं या कर्ड है सॉल्ट है ब्रेड है मतलब जिस जो बहुत ही नेसेसिटी है डेली लाइफ के लिए ठीक है तो उनके ऊपर जीरो परसेंट टैक्स लगता है ठीक है उसके बाद आ जाओ जी फाइव फाइव परसेंट पे फाइव परसेंट लगेगा जैसे स्किम्ड मिल्क है या कुछ स्पाइसेस हैं टी है आ, फिश है कॉफ़ी है इन पे लगता है फाइव परसेंट जी ठीक है और आ, 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 ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जो सैनिटाइजर्स हैं उनका जो टैक्स है वो एटीन था पहले ठीक है उसके बाद उनको उसको फाइव में रख दिया गया हैंड सैनिटाइजर्स को ठीक है तो ये आप देख रहे हैं तो जीरो परसेंट था 5%, 12%, 12 पे जैसे घी है चीज है बटर कुछ फ्रूट जूसेस हैं पैक्ड जूसेस हैं उन पे ट्वेल्व परसेंट जीएसटी लगेगा अगर मैं एटीन परसेंट की बात करूं तो वी हैव हाँ जैसे कि मिनरल वाटर पे एटीन परसेंट टैक्स लगता है फिलहाल ठीक है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जैसे वॉशिंग मशीन हैं ठीक है थीके? और भी डेली यूज के आइटम्स जैसे डिटर्जेंट है ऑयल हैं कुछ पैगड सूप्स हैं या पेस्ट्रीज़ हैं या केक्स हैं उन पे या पैक्ड पास्ता है उन पे आप 18 परसेंट टैक्स लगेगा अगर मैं 28 परसेंट टैक्स की बात करूँ तो जैसे कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं कुछ ठीक है उन पर जो है 28 परसेंट टैक्स लगता है या टम्बैकू पे बीडी सिगरेट आ, ये जो है टम्बैकू पे इन पे 28 परसेंट टैक्स लगता है ठीक है कुछ आ, जैसे अगर आपके घर की जो टाइल्स हैं कुछ आ, लग थोड़ी महंगी वाली जो टाइल्स होती हैं ठीक है उन पे जो है ट्वेंटी एट परसेंट टैक्स लगता है राइट तो ये जो है ये टैक्स स्लैब्स हैं फाइव रेट्स हैं अब देखिए एक बीच में एक थ्री परसेंट स्लैब भी है ये लगता है कुछ अगर आप प्रेशियस मेटल कोई खरीदते हो जैसे कि गोल्ड इस पे थ्री परसेंट जीएसटी लगता है ठीक है गोल्ड पे एक्स्ट्रा तो ये सारी जो हैं ये स्लैब्स हैं जीएसटी की ओके समझ आ गया आपको अब देखिए ये जो है दिस है इन दास्ट क्या है एक क्या होता है कि जब आप जी की जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको स्पेसिफिक कोड मिलता है उस कोड को कहते हैं एच इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तभी मैंने ये लिखा है एच एस एन विच इज़ हारमोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमन क्या कहा जाता है हारमोनाइज सिस्टम ऑफ नामन क्लेचर कोड जो है ये एक सिस्टम है जो कि सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन करता है गुड्स की और ये जो सिस्टम है ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये जो सिस्टम है एच का ये यूज़ किया जाता है और ऐसा नहीं है कि जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनको भी एच सिस्टम यूज़ करना नहीं इसके लिए एक स्पेसिफिक मतलब एक टर्न बताया गया है ठीक है ओके तो कुछ जो बड़े आ, जो आप कह सकते हो बिजनेस हाउस है मैन्युफैक्चरिंग हाउस है उनको ये एच एस एन जो है कोड यूज़ करना होता है और ये जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है ये एच एस एन कोड ठीक है ये एच एस एन कोड जो है ये किसने डेवलप किया था तो ये डेवलप किया था वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने ठीक है तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जिसको डब्ल्यू भी कहा जाता है तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था एच ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है क्या बेसिकली ये बेसिकली प्रमोट करती है प्रिडिक्ट करती है सिक्योरिटी देती है किसको इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स को ठीक है इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स जो भी होती है ये डब्ल्यू देखती है इसको इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बेल्जियम ब्रूजल्स में इसके हेडक्वार्टर्स हैं ब्रूजल्स में डब्ल्यू के ठीक है तो ये जो है ये जीएसटी के बारे में था आ, जो भी हमने आज देखा ठीक है तो हमने आज क्या पढ़ा विल हैव हैव अ क्विक दैट वी डन तो हमने GST देखा कि इट केम इफेक्ट ऑन जुलाई ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है ये डेट फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवनटीन ठीक है हाँ बीच में एक चीज जो है एक पैराग्राफ मिसिंग है वो मैं अभी आपको बताती हूँ मैंने आपको कहा था मैं लास्ट में बताऊंगी हाँ ये पहले हम देख लेते हैं ठीक है उसके बाद हम फिनिश ऑफ करेंगे टॉपिक के साथ देखिए टू इम्पोज जीएसटी अब जीएसटी को इम्पोज करने के लिए हमें पता है कि इट केम इंटू इफेक्ट ऑन फर्स्ट जुलाई टू ठीक है इसको इम्पोज करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी ये वन जीरो फर्स्ट ठीक है वन जीरो वन वन जीरो वन अमेंडमेंट हुई थी एक्ट जो था टू थाउजेंड सिक्सटी का ये एक्ट था ये एक्ट जो है ये पास हुआ था एट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड सिक्सटी में बट इट केम इंटू इफेक्ट ऑन फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवनटीन ये याद रखना है अगर हम अपनी स्टेट की बात करें जे एंड के की अगर मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया लेवल पे फर्स्ट जुलाई 2017 को ये इंप्लीमेंट हुआ हमारे जे एंड में इंप्लीमेंट हुआ ऑन एट्थ जुलाई 2017 ठीक है हमारे जेएडके में इंप्लीमेंट हुआ था एट्थ जुलाई 2017 को ये डेट आपने याद रखनी है वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो सेवन जुलाई 2017 को जो हमारे जम्मू कश्मीर टैक्स बिल टू जो है वो पास किया था हमारे स्टेट लेजिस्लेचर ने ओके तो उसके बाद जो है एट्थ जुलाई 2017 के बाद हमारी जे में भी जो है ये जी आप कह सकते हो इम्प्लीमेंट हुआ था ठीक है तो ये रहा हमारे जी के बारे में इसके फीचर्स आप याद रखिएगा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसने कम से कम सेवेंटीन जो सेंट्रल और स्टेट टैक्स हैं उनको आ, आप कह सकते हो अपने अंदर सब्ज्यूम कर लिया ठीक है और उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि ये वैल्यू एडिशन टैक्स है ओके okay? ये कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट इसमें रहता है कोई कैस्केडिंग इफेक्ट इसमें नहीं रहता यानी टैक्स ऑन टैक्स इसमें नहीं रहता है इसका ड्यूल मॉडल है ठीक है इंट्रा स्टेट आपने याद रखना है इंट्रा स्टेट इंटरस्टेट स्टेट जी स्टेट जीएसटी क्या होता है और हाँ अगर यूटी में कहीं जीएसटी लगता है तो उसको यूटी जीएसटी कहते हैं क्या कहते हैं यूटी जीएसटी कहते हैं ठीक है थीके? इसकी इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको बता देती तो यूटी जीएसटी कैसे कहते हैं देखिए अगर सपोज कोई प्रोडक्ट जो है वो हरियाणा से हरियाणा के बीच में ही मूव किया तो कौन सा यहाँ ये कौन सा टैक्स ये कौन सा आ, यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा पहले तो ये इंट्रा स्टेट है ठीक है टैक्स कौन सा लगेगा यहाँ पे यहाँ पे लगेगा आपका सेंटर जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी ठीक है स्टेट कौन सी है हरियाणा अब ये हरियाणा से चला गया दिल्ली ठीक है हरियाणा से कहाँ चला गया दिल्ली हरियाणा से जब ये दिल्ली गया तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा यहाँ पे लगेगा इंटर स्टेट जीएसटी कौन सा लगेगा इंटर स्टेट इंटर स्टेट यानी कौन सा लगेगा आई जी एस टी क्या लगेगा आई जी एस टी ठीक है अब दिल्ली से ये चला गया महाराष्ट्र अच्छा अब ये टैक्स जो है कौन पे करेगा दिल्ली गवर्नमेंट पे करेगी और ये जो जीएसटी दिल्ली की जो अथॉरिटी है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पे करेगी ओके ठीक है और ये सेंटर अपने पास शेयर रखेगी और स्टेट को कौन से स्टेट को दिल्ली को ही ये वापस जीएसटी देगी दिल्ली गवर्नमेंट को फिर दिल्ली से ही चला गया सपोज महाराष्ट्र ठीक है अब भी क्या लगा आई जी एस टी लगा यानी कि इंटर स्टेट है ये और इंटर जी एस टी यहाँ पर लगा ठीक है बट अगर ये महाराष्ट्र के बाद सपोज Uh, ये चला जाता है महाराष्ट्र के बाद चला जाता है दमन एंड दीव में ठीक है दमन एंड दीव में चला जाता है ओके uh, okay, जो कि यूटी है तो फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आईजीएसटी लगेगा लेकिन यहाँ पे लगेगा सेंटर का जीएसटी प्लस यूटी का जीएसटी कौन सा लगेगा यूटी का जीएसटी तो ये इस तरीके से ये मूवमेंट होती है ठीक है इंट्रा और इंटर में वो फुली आई एम क्लियर तो ये uh, जो है दिस वॉज ऑल अबाउट टू लेक्चर सम स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग फॉर दी पी तो पी डी एफ वन सेल फिनिश ऑफ जैसे ये टॉपिक खत्म होगा टैक्सेशन का उसके बाद आपको जो है ये पी डी एफ अवेलेबल हो जाएगी ठीक है तो आई एल प्रोवाइड यू विद द पी डी एफ वन सेल फिनिश ऑफ विद द टॉपिक ठीक है तो आई एल सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून आप इसको पढ़िए अच्छे से रिवाइज करिए सो आई एल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर बाय बाय और हाँ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर शेयर भी कीजिए ठीक है सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर टेक केयर बाय बाय See you with the next lecture very soon.